में कथित जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी एवं राज्यसभा सांसद मीसा भारती गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुई। सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के लिए अदालत से और समय मांगा। अदालत ने लेट लतीफी पर नाराजगी तो जाहिर की, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के लिए और समय तो दे दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 12 जुलाई को होगी। बता दें कि सीबीआई ने गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से अपील की कि इस केस में नए तत्वों को भी जोड़ा जाना है, इस कारण सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने में देरी हो रही है। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने सीबीआई को जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने के लिए निर्देश दिए। आरोपी पक्ष से सिर्फ मीसा भारती अदालत में हाजिर हुई। इससे पहले भी मीसा और उनकी मां राबड़ी देवी अदालत में पेशी के लिए आ चुकी है। इस केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्य एवं करीबी समेत अन्य आरोपी है। हालांकि लालू यादव स्वास्थ्य कारणों की वजह से अदालत में पेश नहीं हुए। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। उनका 6 महीने पहले ही सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। जैसा कि आपको पता है, लैंड फॉर जॉब केस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सीबीआई बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम भी जोड़ने वाली है। बता दें कि बीते 15 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत अन्य आरोपितों को जमानत दे दी थी। आपको बता दें कि आरोप ये है कि यूपीए सरकार में 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब रेलवे पर नियमों के ताक पर रखते हुए कुछ लोगों को नौकरी दी गई थी। इसके बदले लालू परिवार के लोगों के नाम पर औने पौने दाम में जमीनें बेची गई थी। ईडी भी इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की अलग से जांच कर रही है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।